दोस्तों, मैं हूं राधिका। वेलकम टू माय चैनल आना देव। भाई सर्दी हो या गर्मी, ड्राई हेयर सबकी मुसीबत बन जाते, तो इसे बचने के लिए क्या करें? पार्लर में महंगा हेयर स्पा? नहीं नहीं, वो भी इस लॉकडाउन में कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। तो मैं अगर मैं ये आपसे ये कहूँ कि आपके किचन में ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे आप महंगा हेयर स्पा घर पे ले सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। लेंगे मलाई। मलाई आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से लें। ध्यान रहे कि मलाई फ्रेश हो, एकदम पुरानी भी चलेगी लेकिन गर्म मलाई ना लें। उसके बाद हम लोग लेंगे शहद। शहद आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास पतंजलि था तो मैंने पतंजलि लिया है, वो भी 1 टेबल स्पून। ऑयल आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास भी ये भी पतंजलि का था तो मैंने लिया, ये भी मैंने वन टेबल स्पून लिया है। उसके बाद हम लेंगे एलोवेरा जेल। आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने एलोवेरा जेल मार्केट वाला लिया है और ये भी मैं 1 टेबल स्पून भर के लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। अब यहाँ सबसे पहले मैंने एक दुपट्टा डाल लिया है और ताकि ये हेयर पैक गिरे ना। मैंने बालों का आधा तो पार्टीशन कर लिया है और मैं पहले इसे कॉम से बालों को ठीक कर लूँगी, सुलझा लूँगी ताकि हेयर पैक लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ी थोड़ी बालों में इसे लगाना स्टार्ट करें क्योंकि मलाई हैवी होती है, इसलिए सिर्फ बालों में लगाए, स्कैल्प में नहीं लगाए। ये ड्राई हेयर के लिए एक अच्छे कंडीशनर का काम करते हैं। मलाई अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ही लें। और क्या था, हमने बालों को जो कि चमकदार बनाने में हेल्प करता है अगर बाल डल हैं, ड्राई हैं, बेजान हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट था हमारा एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है, बालों में स्ट्रक्चर साथ ले जाते हैं, डैंड्रफ कम होता है, बालों की लंबाई बढ़ती है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हमने लिया था कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन बालों की जड़ों में जमा होने वाली सीबम को हटाता है और बालों को बनने के लिए मदद करता है, जिससे बाल खुलने के। रिजल्ट इज ऑसम। खुशी तो आप देख ही रहे होंगे, बार बार हाथ डालने का किसका मन नहीं करेगा अपने बालों में, जो बाल इतने ही स्मूथ, इतने सिल्की हो जाए। टोटल मिलाकर आपको हेयर वॉश करने के बाद किसी भी तरह का कोई सीरम नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पैक से आपके हेयर इतने स्मूथ हो जाते हैं। बिफोर हेयर वॉश आप एक दिन पहले इस मलाई हेयर पैक को जरूर ट्राई करें, उसके बाद हेयर वॉश करें, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बार जरूर ट्राई करें, बाल सुलझे रहेंगे बहुत।